मोदी के नामांकन से अलर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट ट्रैफिक पर भी दिखा असर। विस्तारा एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन करने वाले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विस्तारा एयरलाइंस ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक और धीमी गति से वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सफर के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर चले। वाराणसी सीट से पीएम मोदी ने 2014 और 2019 का चुनाव जीता था। वे यहां से तीसरी बार मैदान में होने वाले हैं। विस्तारा ने एक पोस्ट में कहा, 14 मई को वाराणसी एयरपोर्ट के रास्ते में भारी ट्रैफिक और धीमी गति से वाहनों की आवाजाही की उम्मीद है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे एयरपोर्ट तक अपनी यात्रा के लिए अधिक समय लेकर चले। पीएम मोदी का मंगलवार को ही नामांकन होने वाला है, जिसकी वजह से कई वीवीआईपी लोग वाराणसी पहुंच सकते हैं। ऐसे में इन लोगों के काफिले की वजह से एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। वहीं नामांकन से पहले पीएम मोदी ने सोमवार 13 मई को 5 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। रोड शो के दौरान पूरा इलाका हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। सड़क के दोनों तरफ समर्थकों और लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री की जय जयकार करने लगी। रोड शो काशी विश्वनाथ धाम में जाकर खत्म हुई। वाराणसी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का गढ़ है। उन्होंने यहां से दो बार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव जीता है। कांग्रेस ने वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को खड़ा किया गया है। ये तीसरी बार है जब अजय राय लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का सामना करेंगे। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। 2019 में पीएम मोदी ने 674,664 से अधिक वोटों के साथ सीट जीती थी।